क्यों? क्योंकि वो करीब 5 मिनट में एक बार ब्रीदिंग करता है, 5 मिनट में एक सांस लेता है, तो उसकी उम्र हुई 150 साल। इसी तरह जो मैंने आप देखिए हमारे घर में कुत्ते को आप देखते होंगे बहुत जल्दी सांस लेता, तो उसकी औसत आयु 10 से 14 साल होती है। तो इसी को समझ में आएगा कि सांस के रिदम से रेट से आदमी की आयु निर्धारित होती है, ये एक अकाट्य सत्य है। और अगर कोई प्लांट 1000 साल जीता है तो वो भी सांस लेता है ना। अब एक प्रश्न उठता है कि प्लांट बड़े हैं एनिमल बड़े हैं, सृष्टि की जब रचना हुई तो ये प्रश्न उठा कि प्लांट बड़े हैं कि एनिमल। प्लांट 1000 साल जी रहा है और हम कितने साल जी रहे हैं, हम औसत आयु हमारी 60 है, उसमें कोरोना आ गया, पता नहीं सृष्टि खत्म ना हो जाए, तो बात क्या हुई भाई प्लांट बड़ा है कि हम बड़े। किसी से पूछा जाएगा भाई आप बताइए बच्चे जो पीछे हैं कौन बड़ा है, प्लांट कि एनिमल? हाँ सोचो एक बार, हाँ यस गुड आंसर। प्लांट इसलिए बड़े हैं कि हम डिपेंडेंट हैं प्लांट पे, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स, है ना। मैंने एक डायग्राम उधर बनाया 5 प्लेन ऑफ क्लासिफिकेशन का। प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का मतलब इस मानव सृष्टि में तीन ही लोग होते हैं, प्रोड्यूसर डिकम्पोजर और कंज्यूमर। वी आर कंज्यूमर। प्लांट खाना बनाते हैं तो हम उनके ऊपर निर्धारित होते हैं, हम उनके ऊपर जिंदा रहते हैं। तो प्लांट बड़े हैं सृष्टि में, प्लांट खाना बनाते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं है। देखिए प्लांट किसी पर निर्भर नहीं, हम आप सब पे निर्भर है कि आज मैग्नेट का पॉइंट लगेगा, किताब होगा, हम देखेंगे मरीज देखेंगे तो कुछ पैसा आएगा तो खाना खाएंगे, पेट भरेगा। प्लांट के साथ इसका कोई मतलब नहीं है, पानी देना हो तो रोशनी निकले ना निकले वो अपना खाना बनाना जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वो आपकी जहरीली चीज लेता है। भगवान शिव ने विष को पिया था, प्लांट क्या पीते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं और पी के हाइड्रोजन के साथ H2O के साथ मिला के ग्लूकोज बनाते हैं और प्लस ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो प्लांट अगर ना हो तो ऑक्सीजन ना हो और सृष्टि खत्म हो जाए, तो प्लांट का इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है, प्लांट हमसे बड़े हैं। अब प्रश्न हुआ कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं ब्रह्मांड में, व्हेल भी है, मछलियां भी हैं, रेप्टाइल्स हैं, एवी हैं, फिर आपको मोलस्का है, कई कितने ऑर्गेनिज्म वैरायटी की प्लांट भी कई तरह के प्लांट्स। तो वैज्ञानिकों के सामने प्रश्न आया कि हम बैक्टीरिया को प्लांट में रखें कि एनिमल में रखें, वायरस को प्लांट में रखें कि एनिमल में रखें, बड़े प्रश्न है। एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन एक कैरोलस लिनियस था, कैरोलस लिनियस एक डॉक्टर था, उसको बड़ी माने क्यूरियोसिटी थी कि हम क्यों ना जितने ऑर्गेनिज्म हम उनको डिवाइड कर दें। तो उसने अरस्तु ने माने दो में डिवाइड किया, एनिमल और प्लांट। फिर कैरोलस लिनियस ने ये बोला कि भाई उसने फिर अलग से बांटा, दो किंगडम बना दिए उसने कि एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम। लेकिन फिर वैज्ञानिकों का इससे मन नहीं भर रहा था, तो विटेकर ने 1977 में क्लासिफिकेशन दिया जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोला गया, है ना। इट वाज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर। माय लेक्चर स्टार्टेड फ्रॉम हियर कि ब्रह्मांड के जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनका डिवीजन कैसे हुआ। फिर उन्होंने बोला कि क्या बेसिस रखी जाए, डिवीजन की बेसिस क्या रखी जाए। भाई इतने ऑर्गेनिज्म हैं कुछ तो बेसिक होना चाहिए ना, फंडामेंटल कैरेक्टर्स। जैसे इसी क्लास में हम ये डिवीजन लेते कि जो व्हाट्सएप चला रहे हैं उनको अलग बांट दें, जो व्हाट्सएप नहीं चला रहे हैं उनको अलग बांट दें, जो मोबाइल चला रहे हैं उनको अलग बांट दें। तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ, आज व्हाट्सएप खत्म हो गया, कल इंस्टाग्राम आ गया, कल और नई चीज आ गई। तो कुछ मूलभूत चीजों को देखा गया, मूलभूत चीजों के आधार पर हमने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन किए। ये मैं बहुत मैंने बेसिक चीज बता रहा हूँ, फंडामेंटल चीज और सर्किल बता रहा हूँ। मूलभूत चीज क्या थी, 5 चीज थी मूलभूत। एक था कि वेदर प्रो करियोट और यूकेरियोट, प्रो करियोट यूकेरियोट में बताऊंगा क्या है। दूसरा सेल कैसा है, ये देखिए अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखिए तो ये मोनेरा है, हम बताएंगे आपको ये प्रो करियोट है कि यूकेरियोट है। सेल माने यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, टिश्यू स्ट्रक्चर है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, वो ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ का मतलब खुद खाना बना रहा है, या हेटरोट्रॉफ है, जैसे हम लोग हेटरोट्रॉफ है, हम खुद खाना नहीं बनाते, हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहते। फिर वो पैरासाइट है, सैप्रोफाइट है, डिकम्पोजर है, क्या है वो, होलोजोइक है माने इंजेक्शन करता है, कि पहले डाइजेशन होता है फिर इंजेक्शन करता है ना। तो फिर ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का मतलब वातावरण में जो प्रोड्यूस करते हैं। आप समझिए जितने नन्हे चीज होते हैं ब्रह्मांड में, जितनी नन्ही चीज है उनकी बदौलत हमारा जिंदा है। अगर वो ना हो तो पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदला नहीं जा सकता, वो साइनोबैक्टीरिया है जो ब्रह्मांड की 75% ऑक्सीजन को बदलती है। ब्रह्मांड में अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, आप बताइए, कोई बताए कौन सी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रीवेलेंट है, विच गैस? नाइट्रोजन गैस, नो, इट इज नाइट्रोजन 78%।
नाइट्रोजन का रेशियो कितना 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 78% ऑफ एटमॉस्फेयर में यूजलेस है, और जितने हमारे मूल तत्व तो बने हैं वो नाइट्रोजन से बने हैं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे अमाइनो एसिड हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, बिना नाइट्रोजन के कुछ नहीं बनता। तो जितने नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट्स में नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं या अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं, जो प्रोटीन होते हैं ना, जैसे आदमी मर गया या प्लांट मर गया, प्लांट मर गया तो ह्यूमस आया, उसका ह्यूमस को जब डीके करते हैं तो प्रोटीनियस पार्टिकल को जो नाइट्रोजन यूजफुल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है वो हमारा बैक्टीरिया होता है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो लेगूम्स में, इन सब मटर वटर में होते हैं। तो ये बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया इस पृथ्वी पर ना हो तो किसी का अस्तित्व नहीं होगा, बस सीधे सीधे बात बता रहा। ये यूजफुल बैक्टीरिया है। यूजफुल बैक्टीरिया का मतलब कहां कहां बैक्टीरिया यूजफुल हो, अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, दूध को दही में बदलते हैं। पहली एंटीबायोटिक जो 1831 में बनाई थी वो पेंसिलिन नोटेटम पर बनाई थी, है ना, उसने उसी पर बनाया था। ये बैक्टीरिया हमारे बहुत सारी बीमारियां करते हैं। बैक्टीरिया आपने सुना होगा ट्यूबरक्लोसिस करते हैं, लेप्रसी करते हैं, कई बीमारी करते हैं, साल्मोनेला टाइफी होता है जो टाइफाइड करता है, लेकिन यूजफुल बैक्टीरिया बहुत होते हैं। तो हमारी बेसिस क्या थी, हमारा बेसिस पांच चीज था। पहला था कि न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अगर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है उसमें कोई न्यूक्लियस में सेल वॉल नहीं है तब हम उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, और अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है तो हम बोलते हैं यूकैरियोट। फिर सेल यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है या ए सेलुलर है। अब यहां देखिए ए सेलुलर हम क्यों बोल रहे हैं, हमारा वायरस ए सेलुलर है ना, बाटा कैसे गया, सेलुलर और माने यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब हुआ जो हुआ यूनिसेलुलर उसको हम बोले प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा हो। अब मल्टी सेलुलर में सेल वॉल है कि नहीं, ये पांच क्राइटेरिया होते हैं। सेल वॉल हमारे एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, जब हम छोटी टिश्यू को देखेंगे तो हमारे सेल वॉल नहीं होता, जबकि प्लांट में सेल वॉल होता है, ऐसे वायरसेस में सेल वॉल नहीं होता। दो चीज तो हो गया कि वायरस ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, वायरस के अंदर सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल के आधार पर हमने पूरे प्लांट को दो भाग में बांटा कि जो प्लांट जिनमें सेल वॉल नहीं है उसको हम बोले एनिमलिया, माने एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को फिर हमने दो भाग में बांटा, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का मतलब हम लोग जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उसको फिर हमने चार भाग में बांटा। हमने बांटा मछलियों में, मेढक में, है ना, हमने बांटा फिशीज में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, एविज में, मैमल्स में, और नॉन कॉर्डेट को फिर 12 भाग में बांटा। बस उस पर नहीं, मेन मुद्दा पढ़ाई का ये हमारा कि हम जो सेल वॉल है, सेल वॉल में जो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है वो बोलते हैं फंगस। एक अलग ग्रुप होता है फंगस, आप देखते होंगे ब्रेड पे सफेद सफेद वो लग जाता होगा, सब लोग देखते होंगे अचार में सफेद लग जाता होगा, फफूंदी बोलते हैं, तो आप लोग पुट्ठा फेंक देते हैं, वो फंगस। फंगस हमेशा सफेद होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता ना, उसके माइसीलियम में काइटिन नाम का पिगमेंट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, जबकि प्लांटाई में क्लोरोफिल की सहायता से प्लांटाई फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ब्रह्मांड का तुम कभी सोचो कि प्लांट को भी पांच भागों में बांटा गया है ना, कभी हमने सोचा कि प्लांट में हम एक प्रेशर का पॉइंट लगा सकते हैं, प्लांट को बीमारी भाई वो भी जीवित है, उनकी भी कई बीमारियां हैं, वायरस उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। टोबैको मोजैक वायरस की सबसे पहले खोज जो आइवानोव्स्की ने की थी वायरस की, वो टोबैको मोजैक वायरस की थी। तो क्या हम प्लांट में कुछ लगा सकते हैं क्या भाई, हम अपने एक्सपेरिमेंट भी करना चाहें, हम प्लांट में क्यों नहीं कर सकते, हम देखें प्लांट जहाँ टोबैको मोजैक वायरस है, अगर हम सक्सेसफुल हैं, है ना, हम तो तुरंत जीता जाता उदाहरण मिलेगा। वायरस तो भाई वायरस तो वहां पर मार रहे हैं, आपकी बेसिक पर चलिए तो वहां भी है भाई। आप कोरोना डरोना वायरस हम जो नाम दे रहे हैं, आई वी आर क्लेमिंग कि भाई हम आप जिस भी ढंग से हम एक प्रेशर का पॉइंट लगा रहे हैं, हम प्लांट में क्यों नहीं लगा सकते, प्लांट से भी बैक्टीरिया डिजीज होती है, है ना। जब बैक्टीरिया को हम मानव शरीर में मार सकते हैं तो प्लांट में मार सकते हैं। हम छोटा सा प्लांट लें, गमले में उगाएं, उसमें टोबैको मोजैक वायरस है, जैसे पत्तियां कर्लिंग हो जाती है, पत्तियों की पत्तियां गिरने लगती हैं, कई वायरस की बीमारी होती है बैक्टीरिया की होती है। तो कभी हमने इस पर ध्यान दिया कि भाई हम इसमें क्या मूलभूत परिवर्तन कर सकते हैं। तो फिर प्रश्न यही आया कि मैंने प्लांट्स में भी कुछ बीमारियां होती है भाई, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिर हमने प्लांट को पांच भाग में बांटा, ब्रह्मांड के जितने प्लांट हैं, देखिए कितना बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया कि जिनमें वेल डिफाइंड प्लांट बॉडी नहीं है उसको उन्होंने बोला कि दीज आर थैलिडोफाइट्स, जिनमें प्लांट बॉडी है लेकिन जाइलम फ्लोएम नहीं है उसको बोला ब्रायोफाइट्स, फिर जिनमें बोला गया प्लांट बॉडी है, जाइलम फ्लोएम भी है लेकिन सीड्स नहीं बनाते उसको बोला टेरिडोफाइट्स,
जिनमें सीड्स बनते हैं, ठीक है। हम लोग क्या खाते हैं, जैसे पपीता खाते हो, पपीता का छिलका आपने काटा, उसके अंदर बीज होते हैं, तो जो सीड्स बीज को बोलते हैं सीड्स, जो सीड्स कवर्ड होते हैं उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, और जो नेकेड सीड्स होते हैं जैसे पाइन के या साइकस के जो होते हैं, तुम देखोगे खजूर के, खजूर हो ना, ये नेकेड सीड्स होते हैं, इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। तो यही पांच प्लांट्स हैं दुनिया में, सिर्फ पांच प्लांट की वैरायटी है आपको पता। सबसे पहला प्लांट वो है जो एल्गी है ना, एल्गी, उसको बोलते हैं थैलिडोफाइट्स। उसके अंदर, उस एल्गी के अंदर कोई वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती, उसमें तुम्हें रूट नहीं मिलेगा, स्टेम नहीं मिलेगा, लीव्स नहीं मिलेगी, वो एल्गी चट्टानों पे पाया जाता है। मान देखोगे तुम पहाड़ पे ना, कुछ हरा हरा काई जो बोलते हैं काई, वो काई एल्गी होती है। और सबसे हैरत की बात है नड्डा जी कि वो काई अगर ना हो तो ब्रह्मांड में किसी का अस्तित्व ना हो, फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा वही करता है, 75% पूरे ब्रह्मांड का फोटोसिंथेसिस वही काई करता है, जिसको हम लोग फिसल जाते हैं, गड़बड़ाते हैं, वो काई है। उसमें क्या है, उसमें हमने देखा होगा कि उसमें आपको रूट स्टेम लीव्स नहीं मिलती, लेकिन ब्रायोफाइट्स में जब आए हम तो ब्रायोफाइट्स में स्टेम लीव्स थोड़ी थोड़ी मिली, फिर ट्रेडियोफाइट्स आया, इस तरह हमने पांच बांटा। और आजकल एक प्लांट जैसे संजीवनी प्लांट खोजा, हनुमान जी ने खोजा था ना, जब मूर्छित हो गए गए पहाड़ उठा लिया है, वो प्लांट भगवान नहीं आ रहे हैं, आप ही ढूंढ। तो निश्चित प्लांट में कुछ ऐसा एक्सेप्ट था, जैसे मलेरिया का, जब जैसे ये इसका हुआ ना कोरोना वायरस का, इस तरह मलेरिया भी महामारी थे 19वीं माने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मलेरिया की महामारी थी, ठीक है। मलेरिया हो गया तो मतलब बचना नहीं है किसी, ठीक। तो फिर उसने बोला कि फीमेल एंडोक्रीन मच्छर के काटने से होता है, वैज्ञानिक ने खोज की उसे, तो खोज की तो कुनी ने माने पौधा था, माने उसके बाद से छाल से मलेरिया की दवा बनाई गई कुनी ने, तो आदमी को बचाया किसने, प्लांट ने। अब आप देखिए, माने जब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म का मतलब जो साइकस और पाइन प्लांट है, हम वेल डेवलप्ड प्लांट की बात नहीं कर रहे, जैसे हम गुलाब जो भी फ्लावरिंग प्लांट है वो एंजियोस्पर्म है, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जिनमें सीड्स होते हैं वो आपको जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म में वैज्ञानिकों ने अभी एक प्लांट की खोज की जिसको बोलते हैं जिंकोबा। जिंकोबा का एब्स्ट्रैक्ट वो लोग लेके आ रहे हैं 5 मिलीग्राम का, जो अल्जाइमर डिजीज में बोलते हैं कि बुद्धि को एकदम बढ़ा देता है, ड्रामेटिकली बढ़ा देता है, वो निकालते कहाँ, जिंकोबा से निकाल रहे हैं। तो क्या निकाल रहे हैं, एक माने ऐसी प्रजाति के प्लांट से निकाल रहे हैं जो वेल डेवलप्ड नहीं है। इसी तरह संजीवनी का उल्लेख है, हमारे भी बॉटनी पढ़ी है, अगर बॉटनी में जब आप टेरिडोफाइट को, टेरिडोफाइट्स हैं उनको चार भाग में बांटे हैं, है ना, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, इस करके बांटा, तो उसमें एक माने दो पौधे आए लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम से होम्योपैथ वालों ने उसके अवशेष से दवा बनाई, लाइकोपोडियम नाम सुना होगा, बड़े अचूक दवा बनाई, उसी में एक उल्लेख है संजीवनी बूटी। तो भाई ये जो दवा हम, जो भी दवा है भाई, कोई कोरोना वायरस को मारने की दवा, जैसे मलेरिया की दवा निकली, वो कुनीन से निकली, कुनीन कहाँ से पैदा हुआ, आपको किसी पेड़ के बाद से प्राप्त हुआ, ठीक। फिर एंटीबायोटिक का जो आविष्कार हुआ वो भी कैसे हुआ, कि भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऐसे कल्चर ग्रो कर रहे थे और उनकी प्रेमिका थी, उससे उनका गुस्सा हो गया तो उसने ऐसे मार के ब्लॉक को ऐसे फेंक दिया, अगले दिन देखा तो उस जहाँ पे कल्चर ग्रो कर रहा था वहाँ बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया, इट वॉज इंसिडेंटल डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक वॉज इंसिडेंटल डिस्कवरी इन द फॉर्म ऑफ पेंसिलिन, बाद में वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन खोज की, वो इंसिडेंटल नहीं थी, ये इंसिडेंटल डिस्कवरी थी। उसने क्या किया, ऐसे मारा फेंक, तो अगले दिन देखा कि वहां पे कोई ग्रो नहीं कर रहा, तो वहां से डिस्कवरी हुई। तो देखिये मूलभूत हम बीमारी जहां पर उपचार कर रहे हैं, चाहे भगवान राम ने लक्ष्मण को जिंदा किया संजीवनी बूटी खोज से, चाहे जिंकोबा आया हमारे मस्तिष्क में अल्जाइमर डिजीज में, अब्राहम लिंकन मर गए, अमेरिका के बहुत बड़े नामी राष्ट्रपति माने जाते थे, है ना, उनको डिमेंशिया हो गया था, कॉर्टिकल एट्रोफी, कोई बोला इसकी दवाई नहीं है ना, और उस डिमेंशिया के लिए जिंकोबा नाम का एब्स्ट्रैक्ट लिया गया, 5 मिलीग्राम तक खाइए, आप चाइना वाले बोलते हैं कि खाइए, कभी होगा आपको डिमेंशिया तो बताइए, एंड चाइना इज मच 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 मोर एडवांस देन अस, बता चाइना में एक वर्ल्ड कल्चर, मैं चाइना गया हूँ, चाइना में इतना जबरदस्त वर्ल्ड कल्चर है, 10 दिन में इंडिया में अगर ये वुहान शहर से निकला था ना कोरोना वायरस, अगर इंडिया में कहीं से निकल जाता जहाँ भगवान के माने वो जाप करने से और कर्मकांड करने के अलावा लोग कुछ नहीं करता, माने अग्नि में घी डालते लो भगवान बचा लो बस, उसके अलावा कुछ नहीं करता, साइंटिफिकली इंडिया कुछ नहीं करता, वही थे कि 10 दिन में 1000 बेड का अस्पताल बना दिया,
मास को कैप इतने प्रोवाइड कर दिए, उन्होंने युद्ध स्तर पर मेजर लिया और किसी भी तरह इस वायरस को प्रिवेंट करने से बचा। मैं भूमिका क्यों बना रहा हूँ इतनी बड़ी लंबी चौड़ी, मैं मूल में जाना चाहता हूँ भूमिका बना के, ताकि आप कैसे उसकी डिस्कवरी करनी है वो देखिए। तो पांच बेसिस थे हमारे जो भी थे, ये पांच बेसिस थे जिसके आधार पे हम लोगों ने इनको पाना। पहला था कि वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, वेदर दे आर सेलुलर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और फाइलोजेनेटिक रिलेशन क्या है, वो प्रोड्यूसर है डिकम्पोजर है कंज्यूमर है, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सर तीन तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, हम लोग आपस में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गुजारते हैं, हमारे यहाँ हम लोग ये जानते होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही माने मानव की वृद्धि हो सकती है, लेकिन तीन तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। बडिंग के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा आपने पेड़ में देखा होगा कुछ पेड़ में अगर इसे काट दीजिए तो नया प्लांट बन जाता है, इसी तरह एक पूरी खेरा में ना एक प्लांट होता है हाइड्रा, हाइड्रा में ऐसे काट दीजिए तो नया प्लांट निकल जाता है, माने एनिमल निकल जाता है उसको हाइड्रा। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, एसेक्सुअल में एक ही सेल से, अब आपने देखते हैं क्लोनिंग जो शब्द है, क्लोनिंग शब्द आया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस द्वारा दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस से सेक्सुअल माने गैमेट बनते हैं, माइटोसिस से एसेक्सुअल वाले बनते हैं, तो माइटोसिस में सिमिलरिटी होती है दोनों, माने एक ही तरह का, जैसे आपने सद्दाम हुसैन का कहानी सुना होगा गल्फ वॉर में कि 2700 सद्दाम हुसैन घूम रहे हैं, सुना था आपने, तो क्या था वो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, क्लोन पैदा कर दिया, आपका एक छोटा सा सेल लिया है ना, सेल लेके वो आपने पूरा मानव तैयार कर दिया, आने वाले दिनों में आप देखिएगा वो तैयार हो जाएगा है ना। और हमारा सौभाग्य होता इस तरह के 50 जेपी अग्रवाल जी माने घूमते हुए साथ एक साथ, वो दिन दूर नहीं 20-30 साल के अंदर आप ही के सेल से विशाल के माने कोशिका से एक सेल लिए और पता चला विशाल दिल्ली में भी क्लिनिक कर रहे हैं, कलकत्ता में भी कर रहे हैं, उसी तरह जहाँ मुस्कुरा रहे हैं वहाँ उसी तरह मुस्कुरा रहे हैं ना। ये सब असंभव बातें लग रही थी लेकिन वैज्ञानिक धरातल पर सब संभव है। जब हम उसी सेल से कोई ऑर्गन उगा सकते हैं, हम किडनी उगा सकते हैं, हम हार्ट उगा सकते हैं, हम कोई हैंड उगा सकते हैं, हम यूट्रस को डेवलप कर सकते हैं, तो हम पूरे पूरे आदमी को भी डेवलप कर सकते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है एक सेल। अब देखिए इतने माने वैज्ञानिक इतने माने देखिए हम लोग क्या क्या नहीं कर डाले, लेकिन आज हम कोरोना वायरस से परास्त हो, कितनी हैरत की बात है। आज आप बोल रहे हैं कि हम नया जेपी अग्रवाल जी पैदा कर देंगे, नरेंद्र मोदी पैदा कर देंगे, माने नड्डा जी को पैदा कर देंगे, तमाम तरह के जैसे लोग हैं वैसे पैदा कर, और छोटा सा अदना सा जो दिखता ही नहीं आंख से उससे डर, सारे हथियार माने राफेल और जितने सब बेकार हुए, इतने राफेल कूद रहे थे पाकिस्तान, इतना कूद रहा था कि ये मार डालेंगे वो कर डालेंगे बम सुला देंगे, ये भाई कोरोना कहाँ से बम सुला हो गया, वो तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, वो तो इनर्ट होता है, सबसे बड़ी खासियत होती है इनर्ट होता है, वो जैसे होस्ट सेल को पकड़ता है तब जाकर वो एक्टिव होता है चार्ज होता है, उसको मारो ना बम कितना मारो परमाणु बम मारो तुम उसको। आज मानव सृष्टि विनाश के कगार में है, नहीं आज कितने माने हम लोग कितना एक तरह से निष्प्राण और माने एक तरह से मोरली डाउन नहीं लग रहे, मॉल भी बंद कर दिया, मंदिर भी बंद कर दिया, सड़क बंद कर दी, इटली में कोई निकल नहीं रहा है, और किसके वजह से, अभी तक होता था अमेरिका ईरान की वजह से सारा, वो इजराइल सीरिया पे धमाका कर रहा है बम इधर न गिर जाए, एक छोटा सा कोरोना वायरस जिसका अस्तित्व ये है कि वहां से दिखाई नहीं देता। अब मुझे लगता है जितनी पॉपुलरिटी नाम से इसको मिली इस आदमी को कोरोना को, उतना तो आज तक ट्रंप रोम किसी को नहीं मिली, बच्चा बच्चा भी कोरोना को जान रहा है एकदम, भैया दूर रहो कोरोना आ जाएगा, भैया दूर रहो छू मत कोरोना, माने कोरोना मानते हैं अगर उसमें कुछ अंदर शख्सियत होती और वो आज इस लेक्चर पे कुर्सी पर बैठा होता तो आज वो माने कितना पॉपुलर आदमी होता है कोरोना, माने कितनी पॉपुलर शख्सियत, उसका कितना डर है, देखिए अब क्या आपने क्या डेवलप किया साइंस में, जब आप एक छोटे से क्या डेवलप किया, कुछ नहीं डेवलप किया, आज आप बोल रहे हैं कि हम नए सद्दाम हुसैन बना देंगे, ट्रंप बना देंगे, सब बना लेंगे, छोटा सा अदना सा कोरोना जिसका अस्तित्व नहीं है, माइक्रोस्कोप लगाओगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तब वो दिखेगा है ना, वो डराया पड़ा है इस कदर डराया पड़ा है कि भाई हो सकता है कि अगली बार एक महीने में ये लेक्चर आए कि भैया थोड़ा सा और डिस्टेंस बना लो, इस कदर माने डर का भी माने खौफ का भी वो होता है सीमा होती है, माने इतना खौफ तो आज तक आदमी कभी नहीं किया है, माने ये खौफ तो कोई जाति का धर्म तोड़ दिया इसने, मजहब का धर्म तोड़ दिया इसने, धर्म का धर्म तोड़ दिया, सब सारी बॉर्डर माने उसने क्रॉस कर दी, जो अपनी चाइना बाघा बॉर्डर ऑर्डर था सब खत्म, चाइना बॉर्डर ऑर्डर सब खत्म, किसी को कुछ याद ही नहीं आ रहा, अभी किसी को कुछ नहीं आ रहा,
माने सृष्टि क्या है, सृष्टि तो खत्म भाई, यही बोल रहा ना, सृष्टि खत्म हो जाएगी। अच्छा अगर सपोज करिए आज आपके पास फिगर आज का है कि 148 लोग इंडिया में बस बचे, ठीक है, हम मार बहुत दुहाई देते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे, हार्ड इम्यूनिटी हमारे पास इनेट इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, हम बाबा रामदेव बोलते हैं अनुमोल नाम प्राणायाम करिए, आप बोलते हैं कि पैसे हम 14 पॉइंट लगा के कोरोना को दूर भगा देंगे, ये सब तथ्य इन बातें और ये सब हाइपोथेसिस है, ये कोई माने एकदम ऐसी चीज नहीं है कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एग्जैक्ट सेल वाल पर प्रहार किया और पेंसिलिन की खोज कर, इस पर आप कोई हाइपोथेसिस नहीं दे सकते, बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो भाई हम क्या करें, हमको लगाया था भाई, यही बोलेंगे ना और क्या बोले, हमने तो भाई किया बच, नहीं बचा तो हम क्या, ये सब हाइपोथेसिस है ना, हमें थीसिस बनानी है, हमको इसको साइंटिफिकली कन्वर्ट करना है। आज की माने परिवेश में हम कितने माने आप निष्प्राय रहिए और कितने वीक हैं कि हम एक छोटे से प्राणी को माने ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं उसमें क्या है। अच्छा उसमें कुछ पेक्यूलर थिंग्स होती हैं सर, मैं आपको बता, जब सृष्टि की रचना हुई तो बोला गया कि लिविंग थिंग्स क्या है, ऐसा क्या चीज आपके शरीर में है कि हम आपको लिविंग माने, तो वैज्ञानिकों ने बोला प्रोटीन डीएनए आरएनए, इन्हीं तीन चीजों में से कोई है तब हम आपको लिविंग मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। प्रोटीन क्या था कि लेवाइट था, वो 20 तरह का अमीनो एसिड से बना था, तो प्रोटीन डिस्कार्ड हो गया कि प्रोटीन तो नहीं हो सकता लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर इट इज अ डीएनए और आरएनए, ठीक है ना। आरएनए का मतलब हुआ राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का मतलब हुआ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, दोनों चार बेस पेयर से बने, एडिनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन इस तरह करके, और इसमें साइटोसिन थायमिन की जगह एक यूरेसिल आ गया, ज्यादा अंतर नहीं है सर, डीएनए आरएनए में बहुत मामूली अंतर है, दोनों चार जो डीएनए आरएनए है वो 3-30 से बनते हैं, एक तो न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं और एक फॉस्फोट बेस से बनते हैं, तो इसमें चार बेस होते हैं, टोटल 5 ही बेस होते हैं हमारे पास, एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन और यूरेसिल, तो इसमें जो यूरेसिल जुड़ता है आपको आरएनए में, यूरेसिल नहीं होता है डीएनए में, और डीएनए क्या होता है थोड़ा सा थर्मो प्रोटेक्टिव होता है, ग्रैफिन ने सर एक्सपेरिमेंट किया था 1920 में, ग्रैफिन ने बड़ा शानदार एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत शानदार, सब मैंने समझिए हमारे माने साइंस की जननी है ग्रैफिन का एक्सपेरिमेंट, उसने ना एक माने बैक्टीरिया की खोज की, माने बैक्टीरिया को उसने अटैच कर दिया था होस्ट सेल पे, और फिर उसने देखा कि जब उसको टेम्परेचर के साथ गर्म करके, अभी कोरोना के बारे में भी ये बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है 31 मार्च कोरोना के बारे में ये बोल रहा है कि जैसे टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर होगा कोरोना मर जाएगा, ये सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई, ये सब ग्रैफिन के एक्सपेरिमेंट से शुरुआत हुई 1920 में, ग्रैफिन ने ये प्रूव किया कि डीएनए ही सबसे ज्यादा प्रीवेलेंट जेनेटिक मटेरियल है, उसने कैसे प्रूव किया, उसने मरे हुए आदमी से एक सेल निकाला और उसमें उसने डीएनए के लक्षण दिए कि भाई डीएनए इस आदमी में भी जिंदा है, आपने देखा होगा कि जब लादेन को मारा गया था तो लादेन के कपड़े के से उसका बाल ले लिया गया था, या अभी अब बगदादी को मारा गया तो एक दिन ट्रंप बोल रहे थे कि वी हैव टेकन अ स्मॉल सैंपल ऑफ हियर एंड वी हैव आइडेंटिफाइड हिम बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक एंड वी हैव किल्ड हिम, उन्होंने क्या किया डीएनए को निकाला उस डीएनए को क्रॉस मैच कराया बगदादी के और फिर उन्होंने टारगेट करके ड्रोन से मार डाला, हम तो इतने विकसित हैं कि ड्रोन से टारगेट करके बगदादी को मार दे रहे हैं लेकिन कोरोना वायरस को छू तक नहीं पा रहे, क्या ऐसा डेवलपमेंट क्या बेकार है। तो जब मारा गया डीएनए को तो डीएनए और आरएनए आपस में लड़ बैठे यार, नहीं समझे, आरएनए ये बोला क्या सृष्टि में सबसे पहले मेरी उत्पत्ति हुई, तो डीएनए बोला हाँ सर तुम ठीक बोल रहे हो, हाँ सबसे पहले बोला मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो डीएनए बोला हाँ तुम गुरु हो, बोले तुम्हारी उत्पत्ति मेरे बाद हुई, डीएनए की उत्पत्ति बाद हुई, बोले कैसे, बोले भाई तुम बाद में यूरेसिल की जगह थायमिन से अटैच हो गए और तुम्हारे में सुगर चेंज हो गया है बस और कुछ है नहीं, तो बोले मैं बड़ा कि तुम बड़ा, आरएनए बोला मैं बड़ा, डीएनए बोला मैं बड़ा, दोनों लड़ बैठे आपस में और दोनों तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं एकदम वैलिड तर्क, भाई ये भी तर्क वैलिड था आरएनए का कि मैं सबसे पहले प्रकृति में आया सृष्टि में, डीएनए बोला ठीक है भाई तुम्हारा मैं एकदम एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन एक लक्षण डीएनए में ऐसा था जो चेंज नहीं होता था। अब आप समझिए अगर समय के साथ राम अगर 20 साल की उम्र में मूंछ ऐसी है और 25 साल की उम्र में मूंछ ऐसी हो जाए, नाक छोटी है और 30 साल की उम्र में नाक चपटी हो जाए, तो क्या हुआ आपका माने आप स्टेबल नहीं है, आपका डीएनए स्टेबल नहीं है, तो
तो डीएनए ने आरएनए को क्या बोला कि तुम्हारे में सारे कुछ है लेकिन तुम स्टेबल नहीं हो यार, तुम समय के साथ बदलते जाते, तुम थर्मोलेबाइट। मैं इतना डीएनए आरएनए के बारे में क्यों बोल रहा हूं कि वायरस एक ऐसा चीज है उसमें आइदर वायरस में दोनों चीज कभी नहीं होती, क्या तो डीएनए वायरस होते हैं तो आरएनए वायरस। मैं आपको किसी दिन डीएनए पढ़ा दूंगा आरएनए पढ़ा दूंगा, पूरा डिटेल में आपको इनका पढ़ा दूंगा ताकि आप देखिए किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। तो आरएनए ने क्या बोला कि आरएनए ने डीएनए ना आरएनए की एकदम बोलती बंद करा दी, चुप रहो यार तुम क्या मजाक करते हो, तुम हमसे बोल रहे हो गुरु हो शिष्य हो, मैं एकदम थर्मो प्रोटेक्टिव आदमी हूं, मुझे 80 डिग्री पे गर्म करोगे तो मैं चेंज नहीं हूं। जेल एक्सपेरिमेंट को ग्राफिक ने प्रूव किया 1920 में कि डीएनए इज अ वेरी थर्मो स्टेबल स्ट्रक्चर एंड देयर गोइंग टू बी कंसीडर्ड ए जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, लोग प्रोटीन को भूल गए। मैकार्थी और ग्रैफिक के पहले तीन चार वैज्ञानिक थे, मैकार्थी था और कोहलर थे, ये लोग ना ये बोलते थे कि प्रोटीन है। तो ये भी चीज अब जाकर प्रूव हो रही है कि प्रोटीनिशियस पार्टिकल का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जिसको विरियॉन्स बोलते हैं या प्रियॉन डिजीज बोलते हैं। प्रियॉन डिजीज में डीएनए आरएनए नहीं होता, इसमें सिर्फ प्रोटीन होता। तो इतना तो तय है कि ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं, चाहे हम हो आप हो कोई भी हो, वो तीन चीज दो चीज से बने हैं, डीएनए और आरएनए। हमारा लिविंग हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उस हमारे लिविंग सेल्स में इनका होना जरूरी है। दूसरा, प्रोटीन का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। अगर इतनी बात सबको समझ में आई तो हम अब लेक्चर चालू करें। अभी तक मैं जो बोला इतने पढ़ाई में क्या बेस था मेरा कि वायरस जो है ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, वायरस में सेल्स नहीं होती, वायरस में सेल वॉल नहीं होती, वायरस में या तो डीएनए होता है नहीं तो आरएनए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आरएनए डीएनए में भी हमने आपको थोड़ा थोड़ा अंतर बताया। नाउ वी स्टार्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया, व्हाट किंगडम डू ईच ऑफ दीज बिलोंग, आर दे लिविंग, व्हाई और व्हाई नॉट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, ऑल द बैक्टीरिया हार्मफुल, में बताया सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, है ना, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया आता है ना। व्हेन यू गेट अ कोल्ड शुड यू टेक एन एंटीबायोटिक टू हेल्प यू गेट बेटर, व्हाट इज द बेस्ट एंड इजीएस्ट थिंग टू डू टू अवॉइड गेटिंग सिक। वायरोलॉजी, अच्छा वायरस की खोज ना सबसे पहले लुईस पाश्चर ने डिस्कवरी की थी वायरस की, उसने क्या बोला कि पॉइजनस फ्लूइड है, वायरस का मतलब लैटिन होता है पॉइजनस फ्लूइड, वायरस का मतलब। फिर इवानोवस्की एक वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज की टोबैको मोजैक वायरस की तरह पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियों में। मैं सर एक आपको नया चीज बता रहा हूं, इनोवेटिव चीज, कि आप पेड़ पे कौन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम अपने स्टडी को प्रूफ करेंगे। मैं जेल में बात डाल रहा हूं भाई, टोबैको मोजैक वायरस वहां भी आ रहा है, हम क्यों इंपोर्टेशन कर सकते, उनकी भी ग्रोथ को देखे। वायरसेज हैव्स, आप देखो वायरस आर बायोलॉजिकल एंटिटीज कंटेनिंग आइदर डीएनए और आरएनए दैट रिक्वायर अनदर सेल टू सर्वाइव। ये अपने आप में क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये सर्वाइव नहीं करते हैं, जैसे हम लोग बच्चों माने पहले अंतरिक्ष की किताब पढ़ते थे ना, जाके ऐसे ऐसे कोई उपकरण छिपा देता है आदमी को होस्ट पे, चिपकते उसकी सारी एनर्जी को खींच लेता है। तो कोरोना वायरस के साथ क्या हो रहा है कि जैसे किसी होस्ट पे जा रहा है पूरे होस्ट के जितने मेटाबोलिज्म को वो रेगुलेट कर रहा है, उसका अपना मेटाबोलिज्म हो नहीं रहा, एक छोटा सा वायरस फिर वो अपने कुछ नहीं कर रहा, अपने उसके पास कुछ है ही नहीं लेकिन पूरी पैथोफिजियोलॉजी चेंज कर दे रहा है। वो ये शब्द देखिए कितना बड़ा शब्द है कि दैट रिक्वायर्ड अनदर सेल टू सर्वाइव, उन जब तक उनको होस्ट नहीं मिलेगा कोई तब तक वो ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, जब तक इसको कोई एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, होस्ट नहीं मिलेगा ये कार्य। अच्छा इसलिए बोला जा रहा है कोरोना वायरस ओल्ड एज में सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्यों, ओल्ड एज में इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती, 70-80 साल के दशक के लोग होते हैं वो ज्यादा माने मरते हैं। तो एक चीज ये समझ में आ गई, वायरस है सम बट नॉट ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, सो वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग, वायरस आर एग्जिस्ट ओनली टू मेक मोर वायरसेस, और वायरस आर सेम बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो हमने क्या बोला कि न्यूक्लिक एसिड है, ये देखो ये न्यूक्लिक एसिड है, ये प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें कोई सेल वॉल नहीं होती। अब इनमें कैप्सिड होता है प्रोटीन का, प्रोटीन का कैप्सिड होता है और इसको कैप्सोमियर बोलते हैं। माने ये देखिए सर, न्यूक्लिक एसिड है अंदर, इस न्यूक्लिक एसिड में आइदर डीएनए है या आरएनए है,
मोस्ट माने सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट जो जेनेटिक मटेरियल होता है ब्रह्मांड में वो डीएनए होता है। डीएनए की खोज 1953 में वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल से की थी। डबल हेलिक्स मॉडल में बहुत अच्छा एक मॉडल प्रस्तुत किया था 1953 में। उनको 1960 में फिर नोबेल प्राइज मिला था वाटसन एंड क्रिक को। उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था, उससे काफी चीजें हमारी जैसे हमारे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग सारी कुछ चीजें उसी से विकसित हो रही। तो हमारे मानव में जितने हम लोग हैं हम लोग डीएनए हैं सबसे ज्यादा, है ना, प्रिवेलेंट मोस्ट मटेरियल जेनेटिक है। तो इनमें बड़ी अच्छी खासियत देखी गई वायरस में, जिनमें किसी भी वायरस में आज तक दोनों चीज नहीं मिली। प्लांट में भी डीएनए आरएनए दोनों मिलते हैं, माने एनिमल्स में मिलते हैं, बैक्टीरिया में भी मिलते हैं। अच्छा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की खासियत ये रही कि फाइव किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया और प्लांट है, पांच बोला गया। लेकिन विटेकर वायरस, वीरवाइट्स और लाइकेंस को डिवाइड नहीं कर पाए, उनको इनसे सेपरेट कर, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक मिल नहीं रहे। तो वायरस में एक चीज तो यह आ गया कि डीएनए और आरएनए है, और ये मूल में इसके ये है आइदर डीएनए और आरएनए, और ये चारों तरफ कैप्सिड है। नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए कितनी बढ़िया हुआ। अब ये उपग्रह की तरह नहीं रहा है, ये लग रहा नहीं रहा विक्रम है और ये चंद्रयान है, मुझे चंद्रयान ज्यादा रहते जहाँ कैप्सिड का लोग देते हैं। तो चंद्रयान है, विक्रम अटैच हुआ, खो गया बेचारा, बहुत दिन बाद मिला, उसी तरह इसका स्ट्रक्चर है। देखिए वायरस का ये कैप्सिड है, इस कैप्सिड के अंदर जैसे आदमी बैठा हुआ डीएनए आरएनए में, और इसके पांव हैं जैसे ऑक्टोपस मोलस्का में ऑक्टोपस होता है, आठ पांव होते हैं उसके, उस टाइप का। कितना बढ़िया डायग्राम इसने बनाया। देखिए कोरोना वायरस की जो खोज की जिस बेचारे डॉक्टर ने, उसकी मृत्यु हो गई अभी चाइना में, वुहान में। ये कैप्सिड है सर, देखिए प्रोटीन कोड, इसमें सेल वॉल नहीं होता। हमेशा होता क्या है सर कि ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है ह्यूमन में सेल में, और एक न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये प्रोटीन की लेयर है। ये देखिए माचिस की तिल्ली की तरह है। अब हमको ना आपको कुछ खोजना है तो आपको यही प्रहार करना पड़ेगा। आप कुछ ऐसा खोजिए कि इसके अंदर घुसे, काट के और इसको मारे, तभी इसका वायरस आएगा, तभी ये मरेगा। हम इसको माने छेद कर नहीं पा रहे हैं। कैप्सिड देखिए इतना मोटा है कि बोले तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जिंदा रह सकता है। सर देखिए बैक्टीरिया ना, पुराने बैक्टीरिया ब्रह्मांड में सबसे पहला प्राणी हुआ उसको बोले आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसमें पुरातत्व विभाग। दो तरह के बैक्टीरिया हुए, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया थे वो बोला गया सबसे पुरातत्व विभाग के बैक्टीरिया है, उनकी उनको फिर तीन भाग में बांटे, मेट बैक्टीरिया, हाइड्रोथ्री बैक्टीरिया और थर्मोफाइल बैक्टीरिया। थर्मोफाइल बैक्टीरिया क्या खासियत थी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी सर अगर 1 घंटा तक उनको उबालते जाइए तब तुम मरेंगे नहीं। भाई क्या है तुम्हारे अंदर, तुम मरने जा रहे। हमारा 45 डिग्री टेम्परेचर गाड़े में आता तो एकदम गर्मी में यार एसी लगाओ, आज डायटन का लगाओ, कल इसका लगाओ, सब ताहे ताहे मर जाते। 100 डिग्री पे तुम नहीं मरो, तुम बड़े हो हम बड़े यार, हम तो कहेंगे तुम लाख गुना हमसे बड़े। आज अगर इस बात की व्याख्या हो कि चार हाथ पांव वाला आदमी, बड़े मस्तिष्क दिमाग वाला आदमी, कॉर्पस कैलोसम वाला, मेमोरी ग्लैंड वाला आदमी बड़ा है कि प्रोटोजोआ बड़ा है, मैं बोलूंगा प्रोटोजोआ बड़ा है। प्रोटोजोआ की कभी मृत्यु नहीं होती, हमी बात ब्रह्मांड में मात्र एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, इमॉर्टल है वो, बड़ा है कि हम बड़े। आज जैसे कोरोना वायरस ने प्रूव कर दिया कि वो बड़ा है कि हम बड़े। डर तो रहा सब, क्यों नहीं मारता उसने वो कितना बड़ा, आप अकबर का किला बना दिया, अकबर है भाई साहब लड़के और गंगा जी किनारे किला बना दिए कि गंगा जी का कितना भी प्रताप हो हम बंदूक ले खड़े रहे, गंगा जी हमारे किले को उठा नहीं सकते। बनाया तुम्हें इतना बड़ा किला बनाया, भेज दो ना, कहाँ भेज पा रहे इतने लोग हैं। 50 अरब डॉलर का ट्रंप साहब ने एक वो फंड जारी किया है कि इस फील्ड फंड किसके लिए किया है भैया, ये कैप्सोमियर को तुम भेजो कहीं। 50 अरब डॉलर समझ, 50 अरब डॉलर ट्रंप ने सिर्फ इसलिए दिया वैज्ञानिकों को यार तुम इस कैप्सोमियर को क्यों नहीं भेज पा, कुछ ऐसा व्यवस्था करो कि इसकी व्यवस्था लग जाए। जैसे ये होगा तो न्यूक्लिक एसिड ये क्यों बना, ये सब क्यों बना, ये इसलिए बना कि अंदर का न्यूक्लिक एसिड थर्मोलेवाइल होता है और ये इसको प्रोटेक्ट करता है, ये शील्ड की तरह काम करता है। जिस दिन हम इसको तोड़ देंगे उसी दिन ये मर जाएगा। भाई आजकल बैक्टीरिया एड्स की भी दवा आ गई है, वो इसी आधार पर आई है, विक्ट्रावेरिन, वेगावेरिन, जेक्ट्रावेरिन, ये सब जो आई है इसी आधार पर आई है कि ये सेल वॉल को इसके कैप्सोमियर को भेज देती है। तो सर ये आज ये लेक्चर का मूलभूत हमारा ये है कि हम इस स्ट्रक्चर को भेज देते, अंदर का डीएनए आ रहे हैं तो भाई है हम इसको भेज दे कैप्सिड को, प्रोटीन को। अब प्रोटीन कितने तरह से बनते हैं, 20 अमीनो एसिड प्रोटीन बने होते, अब थोड़ा वहां भी दिमाग लगा जाए भाई प्रोटीन को और भेजे तो कैसा। नेक्स्ट स्लाइड,
इनफिक्शियस एजेंट होते हैं, सेल्स होता है जिसमें नॉन सेल होता है, नॉन न्यूक्लियस ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म होता है, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, राइबोसोम नहीं होते हैं, बोला था माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, एनर्जी पॉइंट एटीपी है, बिना माइटोकॉन्ड्रिया सेल सर्वाइव नहीं कर सकती, कर तो रहा है सर्वाइव, कुछ कर लो बिगाड़ लो कोशिश कर, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई राइबोसोम नहीं है, कोई क्लोरोफिल नहीं है, कोई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, कोई गॉल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, बताओ कुछ नहीं है, एक छोटे से ऐसे आदमी से जिसके पास कुछ है ही नहीं, उससे तो लड़ नहीं पा रहा तुम्हें आप दोस्त, वापस मैं ऐसा लड़ रहा हूँ कि साइंस भाग में सीए और मंदिर मस्जिद बनाए पता नहीं क्या कर रहा है। Contain only one type of genetic material. Don't grow, don't live. Next slide. In order to replicate, make copies of its cell, virus need a host cell. Host cell चाहिए. Any living cell can become a host cell. Human, animal, plant, even bacteria. अच्छा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज, जो एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं उसको साइनोफेज, जो माइकोप्लाज्मा को इन्फेक्ट करते हैं उसको माइक्रोफेज। ये वैज्ञानिकों ने वायरस ने दिया कि जो भाई तुम बैक्टीरिया को भी कर सकते हो हां, तो इस तरह बैक्टीरियोफेज का जन्म होता है। और तो एनी सेल कैन बी थ्योरेटिकली बिकम अ होस्ट सेल एंड स्पेसिफिक वायरस विल ओनली इन्फेक्ट स्पेसिफिक सेल, एचआईवी विल ओनली इन्फेक्ट ह्यूमन टी सेल, अ पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम में दो तरह की सेल होती है, बी सेल और टी सेल, एक हार्ड इम्यूनिटी होती है, सेलुलर इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। तो कुछ इम्यूनिटी हमारी बी लिम्फोसाइट से होती है, कुछ टी लिम्फोसाइट से। तो एड्स के बारे में देखा गया सिर्फ टी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करता है। अब देखिए अटैच क्या हुआ, वायरस बाइंड टू द रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द सर्फेस ऑफ अ हॉस्ट सेल, ट्रिकिंग द हॉस्ट सेल इनटू थिंकिंग इट इज नॉट अ फॉरेन इन्वेडर। अब आप सैनिटाइजर से क्या करते हैं, सैनिटाइजर आप इसलिए लगाते हैं कि ये चिपके ना, ये देखिए सैनिटाइजर आजकल बोले ना ना कि भाई अच्छे से आप हाथ धो लीजिए, ये कर लीजिए। देखिए सैनिटाइजर का पीछे तर्क क्या है, द कैप्सिड ऑफ द वायरस, कैप्सिड आप समझ गए, बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ ए होस्ट सेल। अब कुछ वायरस आया, कुछ माने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन माने आ गया वायरस, अब कहीं पर आ गया, कहीं क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। अब समझो कोई इटली से आया बैठे हाथ में आया तुम्हारे, अब समझिए सर कैसे फर्क है, इटली से कोई आया सर के पास आया कि सर प्रेशर लगा दिया, सर बड़े खुशी खुशी से प्रेशर लगा दिया, बोले एक लेक्चर भी ले लो तुम, लेक्चर भी ले लिया कि इटली में क्रोजियम है, इटली में वेनिस है, बड़ा इटली घुमा दिया आपको लेक्चर में, आई सर वेनिस घुमा दें, और दो चार बार खांस दिया सीटे को, ठीक। खांसा तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थे, अगर उसको कोरोना वायरस था तो वो यहाँ पर डिपोजिट होगा, आँख से तो देख नहीं सकते आप, है ना, आप देखते होंगे आजकल टीवी पे उसको डिसिनेटेशन सब जगह पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं कि उस पर स्प्रे करके पहुंच रहे हैं, क्यों, खांसा तो क्रिस्टलाइन फॉर्म उसके ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं, आप क्या हैं यहाँ भी हाथ रख लिया, यहाँ भी रख लिया, ऐसे करके बैठ गए, जबरदस्ती से बैठने की जरूरत नहीं, हाथ तो छू लिया ना, अब इस हाथ से बैक्टीरिया माने वायरस आ गया आपके हाथ, अब ये इसका इन्फेक्शन। तो दो चीज बोला जा रहा है प्रिकॉशन के लिए, भाई आप जबरदस्ती छूए मत किसी को, कुछ को छूने की जरूरत नहीं, पता है कितना खौफ है इस साले वायरस का, कि कुछ को छूने भी नहीं दे रहा है, कुछ को मत छूए, इतना खौफ तुम्हारे मन अंदर जिंदगी में किसका नहीं होगा, कि छुओ भी मत यार, तुम दूर से रहो, पर इतना इस आदमी ने जो भी है भगवान ने जैसे भी संरचना की इसकी, तो इस देखो खौफ देखो। तो अब ये क्या है, ये पांच साल तक नहीं थी सर सत्ता कृष्ण में, जहां पांच साल तक पड़ा था, और आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप छुए किसी तरह से अंदर गया, अंदर जैसे आपके होस्ट से चिपका ही, फिर तो पूरी मैकेनिज्म अपने अनुसार चेंज कर देगा, लो भैया जितने पैसे वाले हो, जितने रुपया वाले हो, जो भी मर्सिडीज पे चलते हो, अब तुम हमारे अनुसार चलोगे दोस्त, अब सब मर्सिडीज खत्म, एसी पेसी सब खत्म, जैसे मैं नचाऊंगा वैसे नाचोगे, चाहे फिल्म के हीरोइन हो, चाहे नेताजी हो, चाहे जो, अब तुम पूरे मेरे कस्टडी में हो, जैसे मैं जैसे नहीं बोलते भूत लग गया इसको, भूत घुमाता है, कोरोना का भूत लग गया, प्रोटीन को envelop may be protein that help in the infect cell, can use presence or absence of envelop to classify, ठीक है, अब देखिए अलग अलग संरचना देखिए वायरस की, भाई वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जब से खोज हुई तब से हम लोग इन चीज़ों पर चले गए, देखिए क्या है,
ये चाइल्ड का वायरस है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे होता है ना भगवान की कोई तस्वीर नहीं है, उसी तरह कोई भी तस्वीर को भाई बना दिए। ये चिकन पॉक्स, अब देखिए चिकन पॉक्स में एक चीज तो क्लियर दिख रही है, ये कैप्सोमीडियम। अब इसी तरह कोल्ड में ये देखिए, ये इन्फ्लुएंजा का वायरस। नेक्स्ट है वो सेल, काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, इट कैन इन्फेक्ट, कैन ओनली इन्फेक्ट सेल दैट हैज टारगेट प्रोटीन ऑन द आउटसाइड। टारगेट प्रोटीन क्या होगा, इसका टी हेल्पर सेल होगा। रैबिज कैन इन्फेक्ट एनी एनिमल। अब बोला था अभी हम कंट्री का ठान लेते, हमारे मित्र हैं वानखेड़े जी म्यूजियम के को डायरेक्टर, पीछे से कुत्ता या काट लिया तीन दिन पहले कल तक, वो कुत्ता 5-7 दिन पर काट लिया। सर जिस तरह कोरोना का खौफ है उसी तरह रैबिज का खौफ, रैबिज का बोलते हैं कि आज तक दुनिया में कोई बीमारी बचा नहीं, इस बार रैबिज। हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक हम लोग राफेल बनाए, सब बनाए, सब कुछ किया, सब पे फ्रंट किया, लेकिन हम रैबिज का कोई कार्ड खोल नहीं पाए। क्यों नहीं खोज पाए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रयास ही नहीं किया सर। हम प्रयास करते रहे बिल्डिंग बनाने में, रोड्स बनाने में, है ना, और दूसरे चीज़ों। हमको एक आई एस अफसर मेरे मित्र हैं, सुनना भी चाहिए, मेरे एक आई एस अफसर मित्र हैं कम से कम, तो बोले हम बोले कैसा चल रही सरकार, कैसे चल रही, तो बोले सरकार से तीन चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करिए, गाय गंगा गोबर। हमने पूछा उनसे और कैसा चल रहा है भाई इस गवर्नमेंट में, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बोले इस गवर्नमेंट में सिर्फ तीन चीज हो रही है, गाय गंगा और गोबर। हम लोग इसमें जा ही नहीं पा रहे ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में हम लोग इस सब चीज़ में जा ही नहीं पा रहे, हमारा विजन ही नहीं। मेरे को क्यों मजा आता है चलने में, क्योंकि आप लोग के माध्यम से कुछ ना कुछ बड़ी इनोवेटिव चीज अंदर छुपी हुई है, बहुत इनोवेटिव चीज। अभी मुझे थोड़ा सा मैं आया था तो थोड़ी सांस फूल रही थी, मैंने बोला हम ये जानते थे जैसे लगाएंगे हमको आराम मिल जाएगा, मेरे अंदर इतना विश्वास है कुछ ना कुछ तो है कि कहाँ चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको प्रूव करने की जरूरत है, कुछ है। और जब आप इतना बढ़ गए, इतना आगे आए और आगे बढ़िए, और एकदम माने इसमें ना सब कुछ भूल के बढ़िए। देखिए जिसे मैंने दोनों फर्मों का ये था कि उन्होंने कभी ये समझा नहीं कि इस पैसे को पैसा नहीं समझा, उन्होंने कभी इसको न कभी पैसा समझा कुछ, उन्होंने पता नहीं थी जैसे एक जीने मरने वाला नहीं होता कि हाँ भाई उनको कुछ मजा आ गया इसमें, मरीज ठीक हुआ तो मजा आ गया। इसका हम लोग को मूल खोजना पड़ेगा भाई, सेलवाल पे काम कर रहा है, कैप्सिड पे काम कर रहा है, किस अमाइनो एसिड पे काम कर रहा है, कोई जरूरी नहीं कि वो थेसिस हो। एक हाइपोथेसिस वाटसन ने क्रिएट नहीं ना, डबल हेलिक्स मॉडल में एक हाइपोथेसिस दी थी, बाद में थेसिस में क्रोमेटोग्राफी के आधार पर थेसिस निकलना शुरू कर दिया। ये बड़ा मैंने बहुत विस्तृत रूप से बनाने की जरूरत है, और इतना तो मैं पूरा 200% मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आपकी थेरेपी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो मूलभूत सेलुलर लेवल पे चेंजिंग करता है। प्लेस वेयर वायरस एग्जिस्ट इन द नेचर एक एज ए सोर्स ऑफ वायरस फॉर हॉर्स सेल लाइक बर्ड्स, बर्ड्स फ्लू, मॉस्किटो, येलो फीवर। एक बार फिर से ट्रैक करना, प्लेस वेयर वायरस एग्जिस्ट इन नेचर एक एज ए सोर्स ऑफ वायरस फॉर हॉर्स, एग्जाम्पल बर्ड्स, जब बर्ड्स हुआ तो बर्ड्स फ्लू हो गए, मॉस्किटो येलो फीवर। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। डज नॉट मेटाबॉलिक, डज नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। देखिए सब लोग होते हैं ना कि हमें स्टिमुलस दिए, हमने राम को बोला क्यों यार तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तो ये स्टिमुलस मैंने दे दिया और राम मुझसे भड़क गए, सर आज आपने बात गंदी बात कर दी, ये तो कोई स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, कितना मजबूत आदमी चुपचाप बैठा है यार, बोलो जितनी गाली देते हैं तो यार खूब गाली दो, जितनी गाली हमको दो यार, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितना ताकतवर है ये देख रहे रिस्पॉन्ड पे माने स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ताकतवर देखिए कितना, अपने आप ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। हाउ इट इज लाइक थिंग्स, नहीं लग रहा कि कोई दूसरे तरह का प्राणी आ गया, हाउ इट इज लाइक थिंग्स दैट आर अलाइव एंड जेनेटिक मटेरियल वायरसेस कैन इनवेलप क्लासिफाई सिमिलरली। नहीं मैंने हम लोगों ने सुना था कि कोई दिन ऐसा आएगा जब प्रलय हो जाएगा, पूरे सृष्टि खत्म हो जाएगी, आज हो सकता है कि महामारी से उभर गए और लगता है उभर गए, लेकिन अगर ये और माने खतरनाक है नहीं आया तो सृष्टि तो खत्म हो जाएगी। डच हाउ डू वायरस रेप्लिकेट, अटैचमेंट होता है इसका, अटैच टू द होस्ट सेल बाय स्टिकिंग रिसेप्टर सेल फॉर्म, वायरस जेनेटिक मटेरियल इंटर द होस्ट सेल, यही सबसे बड़ी दिक्कत है।
वायरस का जेनेटिक मटेरियल घुस जाता है होस्ट सेल के अंदर. वायरस प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कॉम्पोज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन होस्ट सेल एंड होस्ट सेल प्रोवाइड ऑल नीडेड मटेरियल. आपको यही रोकना है, यही पे रोकिए आप, अपनी थ्योरी यही प्रूव करिए आप. आप बोल रहे हैं कोरोना वायरस को मारेंगे, आप इसी दो पे आप बोलिए कि भाई हम कहां, हमारा तर्क क्या है. हम जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में घुस रहा है उसको हम रोकते हैं. आपके अगेंस्ट में 10 लोग खड़े होंगे कि तुम करके दिखाओ, और 10 लोग बोलेंगे कि हाँ तुम्हारे इसका क्या प्रूफ है, दिखाएंगे हम उसको दिखाने का प्रयास करेंगे. हम यहीं पे कर रहे हैं काम, हम सारा काम यहीं पे कर रहे हैं, हम कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से यहीं करेंगे. अब इसी को वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर एक थेसिस समेत हाइपोथेसिस समेत करने के लिए अनमोल विलोम पढ़ने, आप बोले बाबा देव राम देव, चाहे आप एक प्रोफेसर का पॉइंट बोले, चाहे इम्यूनिटी बोले, चाहे जो जैसा बोले, लेकिन काम यहीं पर हो रहा है. इसी दो तीन पॉइंट आप प्रिंटेशन को रोक रहे हैं, और जो कॉपी जेनेटिक मटेरियल को करने से आप रोक रहे हैं, तभी उसका फाइनल निकलेगा, तभी मरेगा, तभी केसेस ठीक होगा. सब यूनिट ऑफ कैप्सिड जॉइंट जेनेटिक मटेरियल पैक्ड एक्सोसाइटोसिस ब्रेक डाउन ऑफ द सेल एंड बर्ड्स फ्रॉम द होस्ट पार्टिकल. नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए बर्ड्स आ गए, निकल गए, देखिए क्या पढ़ रहे हैं. चलो इमीडिएट डेथ. इमीडिएट डेथ में क्या होता है, एनाफिलैक्टिक शॉक होता है. एनाफिलैक्टिक में माने बैगो एलिटिक इन्फेक्शन हुआ, वायरस सिम्पटम इमीडिएटली रेप्लिकेट एंड कॉज अ होस्ट सेल एंड बर्स्ट. डिलेड डेथ. नेक्स्ट स्लाइड. लाइफ साइकिल. सेल डेथ कॉज सिम्पटम क्या है, सिम्पटम्स आर अराउंड द होस्ट सेल फ्रॉम इम्यून सिस्टम से होता है. नेक्स्ट स्लाइड. एंटीवायरल ड्रग्स. अब देखिए इंटरफेयर विद द एंजाइम्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन. मैं बोल रहा हूं ना कि दो जगह आप इंटरफेयर कर रहे हैं, चाहे आप एक प्रोफेसर के पॉइंट से कर रहा हूं, चाहे आप अनमोल विलोम प्रणायाम से कर रहे हैं. इस बार का जो नोबेल प्राइज मिला वो सेलुलर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन लेवल पर मिला है सर. सेलुलर ऑक्सीडेशन पर सेल्स कैसे ऑक्सीडाइज करती है उस पर नोबेल प्राइज मिला सारे. आप चाहे आप कर रहे हो, चाहे अनमोल विलोम प्रणायाम कर रहा हो, चाहे जो कर रहा हो, इसी लेवल पर कर रहे हैं. देखिए हाउएवर बॉडी रेयरली एवर बी क्योर्ड फ्रॉम द वायरस ड्रग लाइक हॉट सेल वन इनफेयर विद द एंजाइम्स एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टीच बॉडी हाउ टू फ्लाइट Fire the injection when they see it against. Next slide. Most penetrate outer waxy leaf of layers and thick cell wall. भाई cell wall का वही है, plant virus की बात से रहा. मैं सर आपको बोल रहा हूँ आगे वाले जो भी हैं, ये देखिए आप अपनी स्टडी को, वैज्ञानिक जितने थे वो लोग तरह तरह की चीजें दिमाग में आती थी. लुई पाश्चर एक डॉक्टर था लेकिन उसने प्लांट्स पे काम किया. मेंडल क्या था, जेनेटिक्स पे काम किया मेंडल. मेंडल एक पादरी था लेकिन उसने माने 14 साल माने मटर के खेत में बिताए, और आज उसने जेनेटिक्स की जो थ्योरी दी आज तो थ्योरी को डिसरिगार्ड नहीं कर पाए. सर आप कौन प्लांट्स में काम कर सकते हैं, यहाँ पे कौन प्लांट तो आपको ठीक नहीं हुआ तब भी बेचारा कुछ नहीं बोल दिया, अब ठीक हो गया तो उसको प्रूव कर दिया. ये देखिए भाई ये टोबैको मोज़ेक वायरस था, हमने यहाँ वेनेशन तो मैं सब बता दूंगा सर. प्लांट में दो तरह के वेनेशन होते हैं, पत्तियां वेरिटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन. ये सब मैं आपको प्लांट पत्तियों के बारे में पढ़ा दूंगा किसी दिन लेक्चर में, कि पत्तियां कितने तरह की होती है, लैमिनर वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन क्या होता है, और मैंने इसके बाद इसमें लीव्स कितने तरह की होती हैं वो सब बता दूंगा. अगर आप इस बार आइए तो एक लेक्चर में ले दूंगा पूरे प्लांट्स. प्लांट मेरा बहुत मैंने पसंदीदा टॉपिक है, ये सब बता दूंगा. इसमें जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, सर मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं. मेरे दिमाग में इस टाइप से जैसे हमारे आर्टरीज वेन होती है उसी तरह प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम होते हैं. जाइलम जो होते हैं जो पानी के ऊपर ले आते हैं, फ्लोएम होता है फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज के नीचे ले आते हैं. सर इन चीजों में होता है, यही भी देखिए कहीं ना कहीं वायरस लगा होगा. तो क्यों ना हम कुछ ऐसे पॉइंट मान देखें, और हमारी अगर थ्योरी प्रूफ है तो यहाँ भी वायरस पड़ना चाहिए. नहीं मना था ये भी तो है भाई, जो एनिमल एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया एनिमल को मरता है वही एंटीबायोटिक से प्लांट का मरता है. अगर आपकी प्रेशर की थ्योरी एनिमल में सही है प्लांट में भी सही होनी चाहिए. पेपर माइंड मॉटल वायरस. देखिए क्या टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी वायरस इसी को खोजी थी. आई वानोस्की ने इसी में खोज किया था. सर इतना तय है मैग्नेट यहां लग रहा है, काम सेलुलर लेवल पे हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल के आसपास ही कहीं काम हो रहा है, उसी के ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रहा है. विडियोइड्स क्या है, वही का छोटा रूप है विडियोइड्स. नेक्स्ट स्लाइड. अब ये वायरल डिजीज पोलियो इन्फ्लुएंजा मम्स मीजल्स वायरल मेनिंजाइटिस एड्स. नेक्स्ट बैक्टीरिया के बारे में तो अगर पढ़ा देना है तो उसके